बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल मास कैलकुलेशन एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फ़र्ज़ करें हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें क्या दिया जाता है, जो स्पेसिफिक कंपाउंड है उसका मास इन ग्राम दिया जाता है और मोलर मास हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या कहा जाता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होगी कि हमें जो है वो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सैम्पल का मास दे दिया जाएगा और मास देने के साथ ही हमें कह दिया जाएगा कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप है मोल का, मोलर मास का नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो वो कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम और सैम्पल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब आपको क्या कहा जाता है, मास इन ग्राम दिया जाता है और नंबर ऑफ मोल्स आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आप किसकी फॉर्म में लिखें, अगर आप इसका फॉर्मूला मतलब इनको डिनोट करें किसी भी एलिमेंट से या किसी भी अल्फ़ाबेट से, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, इक्वल्स टू स्मॉल एम मास इन ग्राम डिवाइड बाई कैपिटल एम मोलर मास, ठीक है। अब आपने करना क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सैम्पल मास, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड द मोलर मास, ठीक है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाता है या कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है या कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है, ठीक है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस ऐड हो जाते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, मोलर मास आता है उस कंपाउंड का, ठीक है। जब आप मोलर मास फाइंड कर दें तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यूज़ द मोलर मास टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने इसी फॉर्मूला में जिसमें आपने आपको मास दिया हुआ होगा, मोलर मास आपने कैलकुलेट कर दिया है, अब आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है जिसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर आपको कार्बन का मास दिया गया है 24 ग्राम और कह रहे हैं कि कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम जिसका मास है 24 ग्राम, वो कितने मोलर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड द मोलर मास, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास क्या है, 12 है। स्टेप 2 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन। अब आपने करना क्या है, जितनी भी इक्वेशन के अंदर जो भी चीज़ें थी उनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन थी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू मास इन ग्राम कितना है, 24 ग्राम जो आपको दिया गया था, डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो वो कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 2.0, तो ये आ जाता है मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने मोलर मास कैलकुलेट किया जो कि 12 ग्राम था पर मोल, और सेकंड स्टेप में आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट की तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 81.0 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है वाटर, आपने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट स्टेप, और आपको साथ में इसका मास भी दिया हुआ है, मास इन ग्राम 81 ग्राम, ठीक है। अब आपने क्या करना, फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम आपको दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है वाटर
वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और आप उसकी मदद से क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन के मास को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा वाटर का। और इसी तरह से लास्ट में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का आ जाता है 18, तो 81 डिवाइड बाय 18 तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसे तो आमतौर पे आपको क्या दिया जाता है कि मास इन ग्राम दिया जाता है और आपसे कहा जाता है मोलर मास कैलकुलेट करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है मास इन ग्राम कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपने उसी फॉर्मूला उसी को यूज़ करना है, सिर्फ फॉर्मूला को ज़रा सा रीअरेंज कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला था स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, मास इन ग्राम फाइंड करना है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे अगर आप इस फॉर्मूला को देखें, दिस वन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला ये एन इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई एम। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हों, मोलर मास आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ओबियसली, और मास इन ग्राम फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एम ऑन बोथ साइड, एम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा मोलर मास, और ये रह जाएगा स्मॉल एम इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम। ठीक है, और फिर आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप मास इन ग्राम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है स्मॉल एम मास इन ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, सैम्पल मास इन ग्राम्स इक्वल्स टू, अगर आप इन्हें वर्ड्स में लिखें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, वेयर एम इज द मोलर मास, स्मॉल एम इज द मास इन ग्राम, एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब इसके लिए आपने क्या करना होगा, ठीक है, वन कन्वर्टिंग फ्रॉम मोल्स टू मास। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसी तरह से दोनों सिचुएशन में आपने सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आपने मोलर मास कैलकुलेट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, स्टेप टू में सब्स्टिट्यूट इनटू द इक्वेशन। अब आपने उसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, एम इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एम, और इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करके और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वट इज़ द मास ऑफ 2.50 मोल्स ऑफ गोल्ड, अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और मास फाइंड करना है। ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली 197। ठीक है, ये गोल्ड का एटॉमिक मास या मोलर मास आ जाता है। स्टेप टू में क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ गोल्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 2.5 मोल्स जो आपको दिए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या एटॉमिक मास 197। जब आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, मोल्स सॉरी मास ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, व्हाट इज द मास ऑफ 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या किया है, मास आपको फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कार्बन का मास आ जाता है 12। तो इसी तरह से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ साथ ही आप फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, मास इन ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और आपके पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।